अपने तेवर और नए अंदाज में देखना शुरू कर चुके हैं। एलआर भारत, बिहार सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और उन्हें कहा कि 17 साल के मुकाबले में 17 महीने में जो काम किया है जनता देख रही है। और बहुत सारे मसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। लेकिन क्या हालात है इस देश के, जो वो कह रहे हैं उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या? ये हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया का गठबंधन, ये मजबूत है और आने वाले समय में बिहार से हम सब लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। गठबंधन है महागठबंधन, इंडिया का गठबंधन, ये मजबूत है और आने वाले समय में बिहार से हम सब लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। अभी भी बड़ा सवाल उठता है कि भाई कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो, आखिर क्या वजह है? इतने महीने हो, डेढ़ महीना होने जा रहा है और अब तक जो है विस्तार नहीं हुआ, ना ही कोई होने की कोई सूचना किसी को है, तो आखिर मामला क्या है? खैर, ये सरकार में बैठे लोग जवाब देंगे, इस पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने के, कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पा रही। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, जाति आधारित गणना कराए, आरक्षण के सीमाएं जिस हिसाब से बढ़ाई, नौकरियों की बात करते थे, देर देर रात बजे जाकर के अस्पताल में हम लोग छापा मारते थे, तो कहीं भी जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो है केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। एक डेढ़ महीना से कोई काम नहीं हो रहा और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन था, जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो हैं वो पढ़े, वो हम ही लोगों का काम का गुणगान जो है वो लोग कर रहे थे। ये बजट में देखे तो कैबिनेट में सबसे ज़्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे, तो हम ही मंत्रियों का साइन जो हम ही लोगों ने भेजा। खैर, ये बातें अलग हैं, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें, चाहे कोई वर्ग के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा। आने वाला जो चुनाव होगा, साफ तौर पे जो हम लोगों ने लकीर खींची है, हम लोगों ने जिस हिसाब से 5 लाख नौकरियां बहालियां निकाली है, नियुक्ति पत्र लाखों में बांटने का काम किया मात्र 17 महीनों में, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का निर्णय हम लोगों ने कैबिनेट से लिया, स्वयं सहायक समूह, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी महिला हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, ममता दी हो, सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय इन 17 महीनों में हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ साथ, आईटी पॉलिसी के साथ साथ,
टूरिज्म पॉलिसी भी इस 17 महीने में हम लोगों ने लाया। जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हम लोगों का था कि भाई जो खिलाड़ी मेडल लाएंगे, बिहार का देश का नाम रोशन करेंगे, उनको भी हम लोगों ने नौकरियां दी। और हाईएस्ट लेवल है उस मामले में डीएसपी के लेवल तक का नौकरी जो है लोगों को मिलेगा जैसा वो मेडल लाएंगे। तो खेल के साथ साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं हम लोगों ने नौकरियां देने का काम। हम लोगों ने 17 महीने में लोगों के हाथ में कलम दिया और वही बीजेपी के लोग केवल नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना बिहार सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव किस तरीके से भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं। लिहाजा रैली में पहुंचे सभी लोगों को उन्होंने शुक्रिया भी अता किया। इसके साथ साथ कहा 24 के चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और बहुत सारे मसले पर उन्होंने अपने तरीके से बात रखी है। चिराग पासवान के एनडीए से नाराजगी वाले मामले को लेकर भी कहा कि आना तो उन्हें जिन्हें आना है वह आ सकते हैं। लिहाजा साफ है कि अब देखना होगा आगे की राजनीति की तरफ पलटी मारती है। अगर आपने हमारे चैनल एलआर भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। देखते रहिए एलआर भारत। नमस्कार।